नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया से जुड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम की खबरें, क्योंकि आज की सारी खबरें बहुत ही शानदार और धमाकेदार होंगी। सारी खबरों को करेंगे विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले इस वीडियो को लाइक का बटन अभी दबा दीजिए। जानते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। जी हाँ, बड़ी खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताते हैं आज की सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट खबर। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है सबसे पहले यूपी के मौसम के बारे में। यूपी में दो दिन बाद बदलेगा मौसम, कई जिलों में छाएगा घना कोहरा, सताएगी सर्दी और अलर्ट भी है जारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में दो दिन बाद मौसम बदल जाएगा, हवा का रुख बदलेगा और इससे कोहरा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कई जिलों में घना कोहरा छाएगा, इसके साथ ठंड में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में दिसंबर आ जाएगा। और आप सबको बताया, दिसंबर में तो वैसे भी मौसम अपनी दस्तक देगा ही देगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए दिसंबर के अंदर कोहरा देखने को मिलेगा ही। जी हाँ, क्रिसमस तक। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली महत्वपूर्ण बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें, संभल में बवालियों का बचना मुश्किल, फोटो का पोस्टर छपवा रही है पुलिस, इंटरनेट बैन बढ़ा। जी हाँ, आपको बता दें, संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को हुई हिंसा, तीसरे दिन मंगलवार को भी शहर में तनावपूर्ण शांति बनी रही। जी हाँ, इंटरनेट सेवाएं मंगलवार को भी बहाल नहीं हो सकी। प्रशासन ने एहतियात इंटरनेट पर प्रतिबंध 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ दबिशें दे रही है और उनके पोस्टर जारी कर दिए हैं। मंगलवार को स्कूल तो खुले लेकिन बच्चों की उपस्थिति न के बराबर रही। वहीं जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों को छोड़कर शहर के बाजार पूरी तरह से खुले लेकिन वह सन्नाटा फैला रहा। शहर में शांति बहाल करने के लिए पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। वाकई में ऐसी चीज़ें करने वालों के साथ गलत तो होगा ही, पर हाँ, पुलिस पूरी छानबीन में लगी है। जल्द ही उन सभी को, उपद्रवियों को पकड़ लिया जाएगा, उम्मीद तो पूरी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, यूपी में फिर होगी भीषण बिजली संकट, निजीकरण के खिलाफ हुंकार के बाद सभी डीएम कमीशन को किया गया अलर्ट। आपको बता दें, यूपी में एक बार फिर से भीषण गर्मी संकट गहराने की आशंका नजर आने लगी। एक तरफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ शासन ने सभी डीएम कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को अलर्ट किया है। जी हाँ, एहतियाती कदम के अभी से उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, आपको बता दें, एकजुट बांग्लादेश हो जेल के रास्ते, पुलिस वैन से चिन्मय कृष्णदास का जोशीला संदेश। आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद ढाका कोर्ट के बाहर जेल वैन से चिन्मय दास ने अपने समर्थनों को संबोधित करते हुए कहा कि हम एकजुट बांग्लादेश चाहते हैं। दास ने शांति बनाए रखने और अपने लोगों को लड़ाई जारी रखने की अपील की है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ, यूपी के 25,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी है बड़ी राहत, दिहाड़ी और महीना दोनों तय। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार ने निकायों में आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों की दिहाड़ी तय कर दी है। उन्होंने प्रतिदिन 412 और महीने के 10,701 रुपये दिए जाएंगे। जी हाँ, आउटसोर्स जो सफाईकर्मी हैं उनके लिए दिहाड़ी एकदम फिक्स कर दी गई है, जो वाकई में काफ़ी मदद का काम करेगी इन लोगों के लिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 30 नवंबर से इन करोड़ों लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, सरकार ने जारी कर दी है सूची, गम का दिख रहा है हर तरफ माहौल। जी, आपको बता दें, फ्री राशन स्कीम के तहत इन लाभार्थियों को अब राशन नहीं मिलेगा 30 नवंबर के बाद, और इतने करोड़ों लोगों को फ्री राशन का संकट मंडरा रहा है। तो आपको भी बता दूँ, अगर आपने EKYC के लिए अपील नहीं किया था तो इसके बाद अब आपको भी राशन से संकट झूझना पड़ेगा। जी हाँ, 3 बार डेट एक्सटेंड होने के बावजूद भी करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने EKYC नहीं कराया। इसका सरकार का मानना है कि आने वाले 30 नवंबर के बाद लाभार्थी जिन्होंने EKYC नहीं कराया, ऐसे लोगों को फ्री राशन देने पर रोक लग जाएगी। और इसके बाद सरकार कई बार चेतावनी भी दे चुकी है, 5 साल फ्री राशन और मिलना था और ऐसे में ये आपके कार्ड भी रद्द हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के सरकारी दफ्तरों में ड्रेस कोड को लेकर बड़ी सख्ती, जींस पहनकर आने पर एटा में 3 की रुकी सैलरी। आपको बता दें, सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड को लेकर सख्ती बढ़ गई है। शासन से निर्धारित वेशभूषा के बजाय जींस पहनकर कार्यालय आने पर एटा के CMO ने सोमवार को DPM, मलेरिया निरीक्षक और लिपिक का वेतन रोकने की कार्यवाही की है। जी हाँ, 3 दिन में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है। तो वाकई में काफ़ी चीज़ें बढ़ोतरी देखने को मिली है ड्रेस कोड को लेके। CMO की कार्रवाई से कर्मचारियों में मच गया है हड़कंप। और कोई अपडेट आएगा इसके बारे में तो आपको बताऊंगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। योगी के निर्देश और 48 घंटे में भुगतान का असर, यूपी में धान खरीद
का पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में धान खरीद का पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया। एजेंसियों द्वारा अब तक 7.28 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। जी हाँ, बस थोड़ी सी आदित्य योगीनाथ की हुंकार की आवश्यकता थी, थोड़े से निर्देश मिलते ही बस तुरंत काम होना शुरू हो गया। अब तक 1.49 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। सहायता के लिए नंबर है, इस पर कॉल करें और किसान अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, कोई परेशानी ना हो इसके लिए नंबर भी दिया गया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 18 माह के DA एरियर को लेकर बड़ा अपडेट, हर कर्मचारी के खाते में क्रेडिट होंगे इतने रुपए, जश्न का माहौल। आपको बता दें, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए खास खबर हो सकती है, क्योंकि एक बार फिर से 18 महीने के DA एरियर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि देश के करोड़ों कर्मचारियों को सरकार नव वर्ष का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। एरियर है यानी बचाव, जो पैसा होता है एक प्रकार से वो आपको मिलने वाला है, जो वाकई में काफ़ी अच्छा फ़ायदा करेगा। 53% हो गया है DA, कोविड के दौरान रोका गया था DA, तो काफ़ी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। धीरेंद्र शास्त्री पर झांसी के अंदर, झांसी में फूलों के साथ फेंका मोबाइल, हमले की अफवाह से बाबा का इनकार। जी हाँ, आपको बता दें, भीड़ में किसी ने फूलों के साथ मोबाइल फेंक दिया, जो सीधे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चेहरे पर लगा। बाबा बागेश्वर ने मोबाइल अपने हाथ में उठाने के बाद कहा कि किसी व्यक्ति ने फूलों के साथ मुझ पर मोबाइल फेंका, मोबाइल मुझे मिल गया। उन्होंने भक्तों से कहा कि वे आगे चलते हैं, यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल एकदम साधारण तौर पर लिया। अब जानबूझ के ऐसा हुआ या किसी ने गलती से हुआ वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, चेहरे पर मोबाइल से लगी चोट को उन्होंने फूल जैसी चोट बताया। उन्हें कोई फ़र्क नहीं हुआ, पर बाकी देखो, सबसे बड़ी चीज़ है लोग क्या करते हैं, उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बाकी उन्होंने कहा सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जी हाँ, एक दिन पहले यात्रा में UP में किया है प्रवेश, मिलती रही हैं कई बार धमकियाँ। बाबा बागेश्वर वाले बोले कि एकता के लिए सबको एक करेंगे। जी हाँ, धमकियों पर वो बोले ये प्रायोजिता है, पदयात्रा को लेकर प्रशासन तर्क, आज लागू किया गया है डाइवर्जन, ये रूट भी जान ले। जी हाँ, डाइवर्जन हो चुका है, काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है और ये उनकी यात्रा है जिसमें वो एकजुट सनातन धर्म को करना चाहते हैं। चले इसी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब रोजगार के जरिए रोडवेज में होगी बस चालकों की भर्ती, 2 और 3 दिसंबर को लगेगा फेयर। आपको बता देना चाहते हैं, अब रोजगार मेले के जरिए रोडवेज बस संचालकों की भर्ती होगी। लीगढ़ रीजन में 430 चालकों की भर्ती के लिए 2 व 3 दिसंबर को मेले का आयोजन किया गया है, तो वहाँ नौकरी आपको मिल सकती है, थोड़ा सा देख के चलिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बटेंगे तो कटेंगे के बाद बाबा का एक और हथियार, इन दो शब्दों पर कांग्रेस की बखेड़ दी। जी हाँ, पूरी पूरी बखिया उखेड़ दी है। जी हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है नारों की चुनावों पर अपार सफलता के बाद अब UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व की राह पर तेजी से चल पड़े हैं। जी हाँ, आप सबको पता है कट्टर हिंदू होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा उन्हें कहीं ना कहीं मिला है, और उन्होंने कहा है कि जिसका श्रेय उनके नारों, जी हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, को दिया जा रहा है, जो काफ़ी काम आया है। बस उनके कहने का मतलब है कि एक साथ रहें तो हम सेफ रहेंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड के प्राइस के बारे में, सस्ता हो गया सोना, जल्दी से चेक कर लेते हैं आज की रेट। पंजाब में सोने चांदी की कीमत गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें 24 कैरेट सोने की कीमत 18,000 है। इससे पहले सोना 79,200 के करीब था, वहीं 22 कैरेट सोने की बात की जाए तो 72,540 और इससे पहले 73,660 था। बाकी चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है। बाकी और अच्छे से जानना हो तो आप यहाँ पे मिस कॉल देके भी पता कर सकते हैं, बाकी ये सोने की रेटें देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में JN के पदों पर निकली है भर्ती, 27 दिसंबर तक भरे जाएंगे आवेदन। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान में JN के पदों पर भर्ती निकाली गई है, 27 दिसंबर अंतिम तारीख है, अगर अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हो, जिसमें 1,111 पदों पर भर्ती है। नोटिफिकेशन जारी हो गया, 28 नवंबर को इसका पोर्टल खुल जाएगा अप्लाई के लिए, तो अप्लाई ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए, ये थी उत्तर प्रदेश, UP और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करगा तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।